5G, 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 अभी चारों तरफ जो है 5G के चर्चे चल रहे हैं, कहीं पे जियो 5G तो कहीं पे एयरटेल 5G। और अभी फिलहाल बहुत ही इसे कम लोग होंगे जिनके पास एक 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन होगा। अभी भी लोग यहाँ पे 4G स्मार्टफोन का ही यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपये में एक 5G ट्रू 5G स्मार्टफोन मिल जाए तो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लावा की तरफ से आने वाले लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन की, जो कि अपने इंडिया का स्मार्टफोन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे कि स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ मिल जाता है और क्या आपको स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करें ये जो स्मार्टफोन है लावा ब्लेज 5G, यहाँ पे क्या कुछ आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो मीडिया टेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। और उस टाइम पे इस प्रोसेसर के साथ जो भी स्मार्टफोन आते थे उसका जो प्राइस होता था वो 15 से 16 हज़ार की रेंज में मिलता था। तो उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है। इसके साथ इसका जो स्क्रीन है वो 6.5 इंचज़ का आपको स्क्रीन मिल जाता है स्मार्टफोन में। और जो स्क्रीन है वो 720p स्क्रीन है, यानी कि फुल एचडी स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट इसका जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो बात करें इसके कैमरे की, तो 50 मेगापिक्सल का आपको रियर में और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से जो फ्रंट कैमरा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट में देना चाहिए था, बिकॉज लोग ज़्यादातर आजकल सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर देना चाहिए था मेरे ओपिनियन में। इसी के साथ बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है विथ 10 वॉट चार्जिंग। यहाँ पे 10 वॉट का आपको चार्जर मिल जाता है इसके साथ। 3.5 mm का जैक है जो इसमें मिल जाता है आपको देखने को। और इसी के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो इसका वेरिएंट है स्मार्टफोन का, जो वेरिएंट है सिर्फ एक वेरिएंट में आता है, 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। इसका रैम भी थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए था, मतलब एक आपको 4G वाला मिल जाता और एक 6 GB और एक 8 GB मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि अभी 4 GB और 128 GB का वेरिएंट है। बात करें यहाँ पे इसके स्टोरेज की, तो UFS 2.2 का यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी मिल जाता है देखने को। इसी के साथ यहाँ पे आप डुअल 5G बैंड्स आपको देखने को मिलता है, यानी कि SIM 1 में भी और SIM 2 में भी, दोनों में ही आपका जो 5G सिम सपोर्टेड है। और अभी फिलहाल जो एयरटेल और जियो जो 5G प्रोवाइड कर रहे हैं वही बैंड्स इस स्मार्टफोन में है, यानी कि आपको 5G यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है। उसी के साथ इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वाइज अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर या फिर एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन आपको एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉयड तो नहीं है बट फिर भी काफ़ी क्लीन है, कोई ब्लॉटवेयर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे जो आप यूट्यूब की वीडियोज़ होंगी उनको बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, यानी कि ऐप को आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करके बैकग्राउंड में चलने दो, जो भी वीडियोज़ होंगी या फिर सॉन्ग होंगे वो चलेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे 3 GB का वर्चुअल रैम आपको देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग वगैरह में आपकी हेल्प करेगा थोड़ी बहुत। इसी के साथ वाइड वाइन L1 सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप HD कंटेंट प्ले कर सकते हो OTT ऐप्स वगैरह में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी के साथ ये जो है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, मतलब स्टॉक एंड्रॉयड तो नहीं है बट क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है। इसी कारण से यहाँ पे जो है आपको लैग वगैरह या फिर हैंग वगैरह की दिक्कत आपको नहीं होती है। बट इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसका जो वेट है वो 206 ग्राम का, यानी कि थोड़ा सा भारी स्मार्टफोन है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा भारी है। और इसी के साथ यहाँ पे फुल HD स्क्रीन नहीं है आपको, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको जो है 720p स्क्रीन मिलती है, फुल HD 1080p स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और इसके साथ यहाँ पे कम से कम 18 वॉट की चार्जिंग देनी चाहिए थी, 15 वॉट की इसमें दी गई है और चार्जर आपको 10 वॉट का मिलता है। यानी कि 15 वॉट की चार्जिंग करना चाहते हो तो अलग से आपको मार्केट से चार्जर परचेज करना पड़ेगा 15 वॉट का, बट अगर यहाँ पे 18 वॉट की चार्जिंग दी होती तो काफ़ी अच्छा होता वैसे। और इसका जो फ्रंट कैमरा है मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था, बिकॉज लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो फ्रंट कैमरे पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ये हो जाता है। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो स्मार्टफोन है लावा का ब्लेज 5G स्मार्टफोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और 10,000 की रेंज में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं वैसे। तो इस पर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि ये जो स्मार्टफोन आपको लेना है कि नहीं। मेरे ख्याल से एक मतलब अच्छा स्मार्टफोन है, 10,000 की रेंज में आपको 5G मिल जाता है और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर बैटरी वगैरह 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, कैमरा वगैरह का भी डिपार्टमेंट ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है इफ़ यू वांट टू परचेज। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसको जरूर से खरीद सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो मतलब से एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।